काल कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन अस्तित्व जरूर है उसका, उसका अस्तित्व है, वास्तविक है। काल काल्पनिक नहीं है, इट इज अ रियलिटी, इट एग्जिस्ट। वो जो काल है उसकी क्या आदत है, उसकी आदत चलते रहने की है, ठहरता बिल्कुल नहीं। दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती, वो सारी चीजें हैं वो चलती है, ठहरती है, फिर वापस खत्म भी हो जाती है। कोई कहेंगे सूर्य और चांद है, आखिर चलेंगे, चलते कब तक चलेंगे, आखिर तो पुद्गल है, नष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं कि काल जो है चलता है, और हर क्षण, क्षण का मतलब हर समय, एवरी मोमेंट चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, रुकता नहीं है बिल्कुल ही। तो इस काल के द्वारा ही पता चला कि दीक्षा के 60 वर्ष हो गए। अब ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो गया, लेकिन हो गया। काल का ये जो प्रवाह है, यही तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। हम इस बात को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही एकदम सूक्ष्मता से सोचें कि फिर आखिर होगा क्या, ऐसे चलते चलते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, होगा ही तो और क्या। तो इसलिए हमें ऐसा जब कोई अवसर आता है, कोई विशेष इस प्रकार का कोई प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसी चीज बनती है, तो उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।